हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 3D की भैया अभी शुरू करने वाले हैं अपन पिक्चर, और उसमें भैया ट्रांसलेशन जो है ये पहला चैप्टर है 3D ट्रांसलेशन को समझने वाले। हालांकि ये ट्रांसलेशन टर्म हमारे लिए कोई नई नहीं है, 2D ट्रांसलेशन अपन देख चुके हैं, वही सेम ट्रांसलेशन का मतलब यहाँ पे भी निकल के आता है। बस यहाँ पे भैया जो खेल है ना वो 2D में नहीं 3D में खेला जा रहा है, और उस वजह से थोड़ी सी जो चीजें बदल गई है ना वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। एज यूजुअल आपका कम से कम टाइम लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे मेरी रहने वाली दोस्तों। तो भैया जैसे 3D की अपन बात कर ही रहे थे, तो ये मैंने 3D का सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने रख दिया है, एक्स वाई और जेड इस तरीके से, बराबर है। अब अपना जो काम है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो एक पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, ओके ये पॉइंट है, और अभी देख लो यार 2D में क्या होता है, यहाँ पे x, y मतलब कोऑर्डिनेट ना, सही बात है। तो ये पॉइंट की भैया पोजीशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो अपन 2D में बोलते हैं x, y, लेकिन यहाँ पे भैया 3 है डायमेंशन, बराबर है। x, y तो है ही, उसके साथ साथ भैया z भी जोड़ दिया है, ओके ABCD का जो अंतिम अल्फाबेट है उसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया है, क्यों x, y पे रुकना, z को भी ले लो। अब यहाँ पे भैया x, y और z ये तीन जो है चीजें यहाँ पे मेंशनड है कोऑर्डिनेट में, एज अ कोऑर्डिनेट आपका ये पर्टिकुलर, लेट से ये कोऑर्डिनेट है आपका पॉइंट ए का, ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब मुझे क्या करना है, इसको यहां से उठा के यहां पे रखना है, बराबर है, मुझे इसे यहां से उठा के यहां पे रखना है। तो अब ये मेरे पॉइंट्स हो जाएंगे ओल्ड पॉइंट्स या ओरिजिनल पॉइंट्स, सही बात है, और ये मेरे क्या हो जाएंगे न्यू पॉइंट्स, जिनको मैंने हाईलाइट किया बाय डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, बराबर है। और ये जो पॉइंट अभी यहां से यहां पे आया उसको अपन ए डैश बोल देते हैं, ओके उसको अपन क्या बोलते हैं ए डैश बोलते हैं। लेकिन ये करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ट्रांसलेशन वेक्टर, बराबर है, ट्रांसलेशन वेक्टर की हमें यहां पे जरूरत होने वाली है। जैसे कि यार फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मेंशन करता हूं सी TX, TY, TZ, ये तीनों की भाई अपने को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये TX, TY, TZ आखिर है क्या मामला बेसिकली, तो जैसे TX, TY था अपना 2D में, वही यहाँ पे भी मीनिंग है। यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं तो भैया TX आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, क्या बता रहा है, डिस्टेंस, कि मतलब TX, TY, TZ जो है वो तीनों डिस्टेंस ही बता रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में जो है वो यहां पे स्पेसिफाई किया गया बाय एक्स वाई एंड जेड, मतलब यहां पे आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ओके और कितना जाना है, ये सारी चीजें आपको यहां पे पता चल जाएंगी TX, TY, TZ की मदद से। एक्स डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में जाना है, जेड डायरेक्शन में जाना है, और कितना जाना है वो आपको यहां पे पता चल जाएगा, ओके और यहां पे भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं कि अगर भाई साहब मेरा एक्स रिस्पेक्टिवली अगर यहां पे है ओरिजिनली, तो वो यहां से एक्स डायरेक्शन में, वो यहां से एक्स डायरेक्शन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस उसको जो है एक तरीके से ट्रैवल करना है, वो आपका TX यहां पे बताने वाला है, बराबर है। सिमिलरली TY में भी वही होने वाला है कि आपका इनिशियली तो वाई यहां पे था, ओके अब आपको कितना ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस भैया नापना है इन वाई डायरेक्शन, ये आपको TY बताएगा, और यहां पे TZ क्या बताएगा, सेम वही किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आपको मापना है, आपको तय करना है, जो भी आप कहना चाहो, बस ये डिस्टेंस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस डायरेक्शन में आप उसको मेजर कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि TX, TY, TZ अपने को दे देते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया फंडा हो गया यार, इसका अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली जो है इंटरेस्टेड है इन फाइंडिंग एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये अपने को चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये अपने न्यू पॉइंट है, ये अपने को चाहिए। अब यहाँ पे हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमारे जो TX, TY, TZ है इनकी मदद लेनी पड़ेगी, ट्रांसलेशनल वेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट है उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि सबसे पहले अगर मेरा एक्स ये ओरिजिनल जगह है, तो वहां से यहां तक पहुंचने के लिए मुझे जितना एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो मैं इधर ऐड कर देता हूं, मतलब यहां पे एक्स प्लस TX अगर मैं कर दूं तो मुझे X डैश मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान करके मैं बता रहा हूं कि अब जो मेरा ये ओरिजिनल X है इसमें अगर मैं TX ऐड कर देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे मैं X डैश तक पहुंच जाऊंगा, एक तरीके से मुझे X डैश मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग Y डैश के साथ भी यही कर सकते हैं कि जो मेरा Y है उसमें मैं TX ऐड कर देता हूं ताकि मैं Y डैश तक पहुंच जाऊंगा, मुझे वो मिल जाएगा। और सिमिलरली यहां पे Z के साथ भी आप वही करते हो और आपको Z डैश मिल जाएगा, सेम है। यही चीज अपन ने 2D
जो ट्रांसलेशन है उसमें भी आपने देखी थी, यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन आपका ऐड हो चुका है, जेड इक्वल टू जेड डैश इक्वल टू जेड प्लस टी जेड, बराबर है। तो ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई। इन्हीं इक्वेशंस की मदद से आप बड़े आसानी से कोई भी प्रॉब्लम 3D ट्रांसलेशन का सॉल्व कर सकते हो, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पे होने नहीं वाली। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा अबाउट मैट्रिक्स, बराबर है। चलो मैट्रिक्स भी कंसिडर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं 3D ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। बड़ा आसान सा मामला है, सी यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं ना, पहले एक्स डैश ले लेते हैं क्योंकि अपने को ये चाहिए, वाई डैश ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी वो पूरी मैट्रिक्स रहने वाली है, ओके। और यहाँ पे अपन जो है यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा और वन रहेगा, बराबर है। अब ये वाली चीज तो आपको पता है, ओके, ये वाली चीज क्या भैया, एक तरीके से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये आपके ए डैश के कोऑर्डिनेट्स है, और ये एक्स वाई और जेड क्या भैया, एक ये जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट से, बराबर है। अब सारा जो मामला है वो ये वाला है, इसे अपने को फिल करना है, इसको अपने को भरना है, बराबर है। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसको भैया फिल कैसे किया जाए, बहुत ही आसान। आप क्या करोगे, यहां पे वन लिख दोगे, फिर यहां पे वन लिख दोगे, फिर यहां पे वन लिख दोगे और वन लिख दोगे, बची हुई जो यहां पे ये जगह आपको दिख रही है इसको जीरो से भर दो, कुछ इस तरीके से। आई होप You are getting this, बराबर है, okay? अब ये आपने भर दिया, अब सिर्फ एक कॉलम, ये लास्ट वाला कॉलम बच गया है, इसमें आपको क्या करना है, tx को डालना है, ty को डालना है, tz को डालना है, that's it, हो गया, बन गया आपका भैया 3D ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स। अभी अगर आप इसको एक तरीके से जो मल्टीप्लीकेशन मैं बता रहा हूं, अगर इसे आप परफॉर्म करते हो तो क्या निकल के आने वाला है, वॉट इज गोइंग टू बी द थिंग दैट यू विल सी, इट विल बी सिंपल x प्लस tx, y प्लस respectively you will see ty, z plus tz, और ये जो लास्ट में है वो लास्ट में आपको क्या देखने वाला है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हो तो इट विल बी नथिंग बट वन, बराबर है, इस तरीके से। अब बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा, यार ये वन का है कंसिडर किया है बे, ये वन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो यार इंपॉर्टेंस तो चीजों का तभी समझ में आता है जब वो नहीं होती हमारे पास, सही बात है। तो लेट्स कंसिडर, हमारे पास ये जो वन मामला है ये नहीं है, इसकी जगह पे जीरो लगा देते हैं, लेट्स कंसिडर जीरो, ओके। तो ये वन की जगह अगर मैं जीरो लगा दूं, ओके, कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है भाई, ये पूरा मामला ही चेंज हो जाएगा। सी हमें ये रिक्वायर्ड है, हमें ये चाहिए, सही बात है, बिकॉज यहाँ पे आप इक्वेशंस देख सकते हो, वही इक्वेशंस यहाँ पे भी मेंशनड है जिनके मदद से हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मिलने वाले हैं, तो ये तो सही है, इसीलिए हमें ये चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहले वन था, इस वजह से वो ये आ रहा था रिजल्टेंट जो आप देख पा रहे हो, लेकिन अब मैंने वन का जीरो कर दिया है, अब वो चीज़ हमारे पास नहीं है, अब उसका इंपॉर्टेंस अभी हमें पता चलने वाला है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके देखोगे तो याद रखना ये जो चौथा कॉलम है ना, ये चौथा कॉलम पूरा गायब हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे वन और यहाँ पे ये जो सारी तमाम बातें आपको दिख रही है ये नहीं रहेंगी, tx ty tz नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वन नहीं, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन नहीं है, यहाँ पे जीरो है, तो क्या होगा, जीरो इंटू tx, जीरो इंटू ty, जीरो इंटू tz, जीरो इंटू वन, तो होगा क्या, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका। इफेक्ट हो जाएगा ये इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है। मतलब क्या कि अगर आप ये वाली जो अभी मेरे पास फिलहाल मैट्रिक्स है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से करते हो, वन की जगह पे जीरो लगा के, तो आपको वापस से जो मैट्रिक्स इनपुट में थी, मतलब ओरिजिनल जो थी, जो ओल्ड थी, वही वापस मिलने वाली है, कुछ अलग नहीं मिलने वाला, और यही इंपॉर्टेंस है उस वन का, जिस वजह से हम लोग उसको वहां पे अप्लाई करते हैं और वहां पे लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको वन लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, अगर मैं वन वापस से मेंशन करता हूँ तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, वन इंटू टी एक्स, यहाँ पे टी एक्स ऐड हो जाएगा, बराबर है, और एक्स तो आपका यहाँ पे इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही बात है। तो इस तरीके से भैया इस मैट्रिक्स को सजाया गया है कि आपको वो जो इक्वेशंस हैं वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, जो इक्वेशंस का जो मीनिंग है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, इस तरीके से भैया इसको बनाया गया, सजाया गया। और कोई मुश्किल बात नहीं इसको समझना है, देखो डायगनली वन लगा दिए गए ताकि भैया एक्स यहाँ पे वन के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स आ जाए, और प्लस उसमें क्या हो जाएगा आपका टी एक्स आ जाएगा, वन इंटू टी एक्स, फिर वाई आप यहाँ पे देख सकते हो वन इंटू
2y और फिर इसमें प्लस क्या रहेगा 1 इंटू टी वाई दैट इज टी वाई रह जाएगा, सिंपल है। उसके बाद z के लिए अपन ने यहाँ पे इस लोकेशन में 1 लगाया हुआ है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप मल्टीप्लीकेशन जानते हो मैट्रिक्स का, तो आप बड़े आसान तरीके से समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। z इंटू 1 यहाँ पे z आ जाएगा, प्लस उसमें लगाने वाला हूँ 1 इंटू टी जेड, तो वो टी जेड हो जाएगा, सही बात है। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 ही बच जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, बात इतनी सी थी सिर्फ, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए जो हमने एज इस वीडियो में आउटपुट जनरेट किया है इक्वेशन और ये मैट्रिक्स, तो इसकी मदद से भैया अपन क्या करने वाले हैं अगले वीडियो में, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं।